तो कैसे है आप दोस्तों? मोटे लोगों का टेंशन होता है कि वो वजन कैसे कम करें, पतले लोगों का टेंशन होता है कि वो वेट लूज कैसे करें। जरूरत से ज़्यादा मोटे और जरूरत से ज़्यादा पतले होना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देता है। पतले लोगों को हड्डी, कंकर, 25 की तीली, सूखा पबड़ ऐसे ही नाम दिया जाता है। तो पतले लोग विंटर के समय ज़्यादा कपड़े पहनते हैं और गर्मी के मौसम में सर के नीचे टी-शर्ट पहन लेते हैं। ऐसे करके वो अपने ही आपको धोखा देता है। ऐसे में वो क्या करे जिससे उनका वेट गेन हो सके और हेल्थ भी ठीक रहे? तो दोस्तों दो ऑप्शन है आपके पास। नंबर वन है वेट गेनर का यूज़ करना, इससे वेट जल्दी बढ़ने लगता है। और दूसरा है आप अच्छे से डाइट लें। वेट गेनर वाला ऑप्शन तो सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही एफोर्ड कर पाते हैं। और वेट गेनर ज़्यादा लेने से फ्यूचर में आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप फ्री वे प्रोटीन पाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों आप किसी भी वेट गेनर का इंग्रीडियंट्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कार्ब्स एंड कैलोरीज का मतलब ज़्यादा है। वही इसका मेन चीज़ है जिससे वेट गेन होता है। तो आप समझ ही चुके हैं, अगर डाइट से आप सही कार्ब्स और ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो आपकी वेट जल्दी से बढ़ सकेंगे। तो दिन की शुरुआत आप एक गिलास दूध और कुकीज से कर सकते हैं। 250 ml मिल्क में आपको 125 कैलोरीज, 12 ग्राम कार्ब्स एंड 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स के साथ एप्पल खाएँ। 50 ग्राम ओट्स में आपको 8 ग्राम प्रोटीन, 190 कैलोरीज और 32 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। नॉनवेज वाले लोग इसके साथ एग्स या चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके 2 घंटे बाद 2 केले के साथ आप 1 गिलास दूध पी पिए। आप इसके साथ वालनट भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपको कैलोरीज ठीक ठाक मिलेंगे। 350, 10 ग्राम प्रोटीन एंड 30 ग्राम कार्ब। लंच में आप दाल के साथ रोटी या राइस लें। आप इनके साथ दही ज़रूर यूज़ करिए। तो इनमें आपको 350 कैलोरीज, 55 ग्राम कार्ब्स एंड 22 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। शाम को आप ग्रेनोला यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनोला हाई कैलोरी वाला फूड है। इसके 5 सैलेड में आपको 8 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्ब्स एंड 470 कैलोरीज मिलेंगे। डिनर में आप पोटैटोज, ग्रीन वेजिटेबल एंड पनीर या दही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्ब एंड 400 कैलोरी मिल जाएंगे। सोने से पहले आप 1 गिलास दूध फिर पिए। और एक बात दोस्तों, सोने से पहले आप अपने मोबाइल फोन को ऑफ कीजिए और एक अच्छा सा नींद लें। तो दिन भर खाने में आपको प्रोटीन मिलेंगे 80 ग्राम, 2000 कैलोरीज एंड कार्ब मिलेंगे 250 ग्राम। तो ये एक सिंपल मगर अच्छा डाइट है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखें कि 6 से 7 मील आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों इस डाइट को आप मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लंच में दाल, राइस के साथ पनीर या एग्स ऐड कर सकते हैं। पोटैटोज एंड ग्रीन वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। और डिनर में आप राइस या रोटी के साथ चिकन ऐड कर सकते हैं। तो इस डाइट को फॉलो करने से आपको 15 डेज में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है। रिजल्ट नहीं मिला तो वीडियो पे आके एक डिसलाइक जरूर दे देना। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।